तो पीएम के जन्मदिन को लेकर दिल्ली से लेकर देहरादून तक हर जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। देहरादून में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ प्रतीक पाठक ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कहा कि पीएम ने भारत के लिए एक अलग पहचान बनाई है। साथ ही उन्होंने शिक्षा को और बेहतर करने की बात भी कही। हम इस बार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन में इस पर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया है। हमारे साथ शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे मौजूद हैं और उनसे जानते हैं सर, एक प्रदर्शनी का एक आयोजन किया गया, किया उद्घाटन भी सर हुआ है, किस तरीके का संदेश प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर? मैं सबसे पहले उत्तराखंड वासियों को और देश के समस्त आम जनमानस को नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन मनाते हुए गर्व महसूस होगा जिसने हमारे हिंदुस्तान की खोखली पड़ी व्यवस्थाओं को दोबारा दुरुस्त करने का काम किया। यही नहीं, भारत माता को पुनः विश्वगुरु बनाने के लिए जो देश विदेशों में जो इज्जत बनाई है मोदी जी ने, वो अपने आप में अकल्पनीय है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मोदी जी की आज प्रवासी भारतीयों के साथ एक सम्मेलन है, उसमें स्वयं राष्ट्रपति ट्रंप उसमें शामिल होंगे। ये हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत की पहचान है। सर, अगर बात करें शिक्षा को लेकर, प्रधानमंत्री हमेशा सजग रहे और लगातार, अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भी सरकार लगातार शिक्षा को लेकर बढ़ावा दे रही, अब क्या कुछ तैयारी शिक्षा को लेकर सर? निश्चित जी, मोदी जी के कदम है, उनसे बहुत कुछ हमें सीख लेने की आवश्यकता है और उस चीज़ को हम सीख के हम विद्यालय शिक्षा में उन चीज़ों को लागू करने का हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो संस्कृत शिक्षा हो, चाहे विद्यालय शिक्षा हो, बेसिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, इन सब चीज़ों को हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम यथावत प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ मौजूद थे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी सरकार के जितने भी कार्य हैं उनको लेकर पूरी तरीके से सरकार सजग है। उत्तराखंड सरकार भी लगातार शिक्षा हो या फिर अन्य सुविधाएं हो, इसको लेकर तमाम योजनाएं चलाने के लिए सजग है और लगातार प्रयास सरकार भी करती नजर आ रही है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं प्रतीक पाठक, RNN TV, देहरादून।